नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 व 7 की हिंदी की कार्य पुस्तिका का प्रारंभिक मूल्यांकन हल करेंगे। तो इस प्रारंभिक मूल्यांकन को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देख लेते इसके मुख्य बिंदु को जो आपको इस प्रारंभिक मूल्यांकन को हल करते हुए ध्यान में रखना है। यह मूल्यांकन विद्यार्थी स्वविवेक से करेंगे। विद्यार्थियों को सभी प्रश्न हल करने हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को केवल प्रश्न समझने में सहायता करेंगे। टिप्पणी करते समय शिक्षक विद्यार्थी के समग्र शिक्षण गतिविधियों को ध्यान में रखेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी को धरा भी कहते हैं, इस प्रकार निम्नलिखित को और क्या कहते हैं? तो बादल को हम मेघ कहते हैं, सागर को समुद्र, नदी को सरिता, माँ को माता या जननी। दूसरा प्रश्न, कौन क्या करता है लिखिए। डॉक्टर, डॉक्टर रोगी का इलाज करता है। अध्यापक, विद्यार्थियों को पढ़ाना। किसान, खेती करना, किसान का काम होता है खेती करना। पुलिस, कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये पुलिस का काम होता है। अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास, इनका नारा होता है। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पर हमें एक शब्द दे रखा है रेखांकित शब्द, उसका विलोम शब्द लिखकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो क में है चूहा छोटा होता है जबकि बिल्ली बड़ी होती है, छोटा का बड़ा, और यहाँ पर बिल्ली स्त्रीलिंग है तो ये बड़ी होती है, से आ जाएगा। ख, हाथी का वजन अधिक होता है, चूहे का वजन कम होता है। क, वर्षा को, यहाँ पर ठंडी रेखा के शब्द तो गर्म आ जाएगा, यहाँ वर्षा को गर्म कचौरी पसंद है, हर्षा को ठंडी लस्सी। घ, श्याम पट का रंग काला होता है जबकि चौक का रंग सफेद होता है। प्रश्न संख्या 4, नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दे रखे, उनमें जो संज्ञा शब्द है उनको छांट कर लिखना है। तो क में है बोतल में पानी है, तो बोतल पानी, ये दो संज्ञा शब्द हो जाएंगे इसमें, यहाँ लिख देंगे बोतल और कोमा लगाकर पानी। ख में कविता भोजन बनाती है, कविता संज्ञा शब्द हो जाएगा, भोजन भी संज्ञा शब्द हो जाएगा। ग में बिना जयपुर जा रही है, तो यहाँ पर संज्ञा शब्द एक तो हो जाएगा बिना और दूसरा हो जाएगा जयपुर। घ, पवन पतंग उड़ा रहा है, तो पवन यहाँ बच्चे का नाम है और पतंग, ये दो संज्ञा शब्द हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 5, उचित विराम चिन्ह लगाकर अनुच्छेद को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियां दे रखी है, उनमें उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। तो आज आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो यहाँ पर पूर्ण विराम आ जाएगा। श्यामा अल्प विराम, राधा अल्प विराम, कमला और रेखा खेत पर गई हुई है। माँ ने कहा, न जाने मेरी बच्चियां कैसी होगी, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पर चिन्ह जाएगा प्रश्नवाचक। पिता ने पूछा, बच्चियां कब गई थी, पिता ने पूछा, यहाँ पर आप ये चिन्ह लगाएंगे और बच्चियां कब गई थी, ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। इस प्रकार हम इन पंक्तियों में विराम चिन्हों का प्रयोग कर लेंगे। प्रश्न संख्या 6, नीचे दिए गए संवाद को आगे बढ़ाइए। समय की बचत के लिए हमने इस संवाद को पहले ही लिख लिया है। चौक, चौक कह रही है, मैं सबको पसंद आती हूँ लिखने का काम जो करती हूँ। तो डस्ट वापस जवाब दे रहा है, श्याम पट को लिखने जैसा मैं ही तो बनाता हूँ, यानी अगर चौक से कुछ लिखा हुआ है तो उसको दोबारा उस पर लिखने के लिए मैं उसको तैयार करता हूँ। अब वापस चौक कह रही है, बच्चों को हर दिन नई बातें सीखने की जरूरत होती है और इसके लिए तुम्हारा काम उतना ही आवश्यक है जितना मेरा काम। चौक डस्ट को कह रही है, बच्चों को रोजाना नई चीजें बतानी होती है तो उसके लिए श्याम पट का साफ करना बार बार आवश्यक होता है। वापस डस्ट कह रहा है, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए थोड़ा बुरा लगता है, तुम इतनी जल्दी खत्म हो जाती हो जबकि मैं लंबे समय तक चलता हूँ। इस प्रकार ये संवाद पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, बताइए इन वाक्यों में कौन सी क्रिया सकर्मक है और कौन सी क्रिया अकर्मक है। तो क में है गोविंद चित्र बना रहा है, तो गोविंद चित्र बना रहा है ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी, इसमें कर्म है। ख, आशा खाती है, ये अकर्मक क्रिया है। उसी प्रकार ग, भरत पानी भरता है, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। घ, किरण आती है, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। आपके 6-7 के स्तर पर सकर्मक व अकर्मक क्रियाओं को समझने के लिए आपको जो वाक्य दे रखा है, जैसे गोविंद चित्र बना रहा है,
तो गोविंद क्या बना रहा है, तो इसका अगर उत्तर आ रहा है तो वो सकर्म क्रिया हुई। जैसे ख में है आशा खाती है, तो ये अकर्म क्रिया क्यों है, क्योंकि आशा क्या खाती है, तो इसका जवाब हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो क्या खा रही है उसका इस वाक्य में हमें विवरण नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये अकर्म क्रिया हो जाएगी। इसे आप पहचान कर सकते हो आसानी से कि कौन सी सकर्म क्रिया है कौन सी अकर्म क्रिया है। प्रश्न संख्या 8, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य निर्माण कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दे रखे हैं, उनको व्यवस्थित करके हमें वाक्य बनाना है। तो इसका वाक्य बनाएंगे, समाचार भेजने के क्या क्या साधन है, ये एक व्यवस्थित वाक्य बन जाएगा। दूसरा खे में वाक्य बनेगा, कबूतरों का एक झुंड उड़ रहा था। इस प्रकार हम शब्दों को व्यवस्थित करिए वाक्य बना लेंगे। प्रश्न संख्या 9, गाड़ी चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा, गाड़ी चलाते समय हमें यातायात नियमों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर हमने इसको शॉर्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ ज्यादा जगह नहीं है। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर अभ्यास पुस्तिका में लिख रहे हो और बड़ा लिखना चाह रहे हो तो आप इसको विस्तार से लिख सकते हैं। यातायात चलाते समय हमें हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करना है, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी के सही दस्तावेज होने चाहिए, गाड़ी हमेशा रोड के बाईं तरफ चलानी चाहिए और रोड पर जो भी यातायात के संकेत आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें गाड़ी चलानी चाहिए। इस प्रकार भी आप इसको विस्तार से लिख सकते हो। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 5 प्रश्न बनाइए। यहाँ पर हमें गद्यांश दे रखा है, उसको पढ़ना है ध्यान से, फिर जो उत्तर दे रही उनसे पहले हमें प्रश्न बनाने हैं। मैना नाम की एक छोटी बच्ची थी, उसके पिता का नाम नाना फडणवीस था। नाना साहब देश की आजादी चाहते थे, मैना भी उनके विचारों से सहमत थी। अंग्रेज इस बात पर उन दोनों से नाराज थे। अंग्रेजों ने नाना साहब के महल में आग लगवा दी। नाना साहब की बहादुरी से दोनों सकुशल बाहर आ गए। तो अब इस गद्यांश के अनुसार हमें प्रश्न बनाने हैं। कह में इसने उत्तर दिया, छोटी बच्ची का नाम मैना था, तो इसका प्रश्न बन जाएगा, छोटी बच्ची का नाम क्या था। उसी प्रकार खे में बनेगा, मैना के पिता का नाम क्या था, तो इसका उत्तर इसने लिखा था, मैना के पिता का नाम नाना फडणवीस था। ग में अंग्रेजों ने महल में क्या किया, तो अंग्रेजों ने महल में आग लगवा दी थी, उसका ये प्रश्न बन जाएगा। घ, किसकी बहादुरी से दोनों बाहर आ गए हैं, तो इसका जो उत्तर था इसने पहले ही दे दिया था, नाना साहब की बहादुरी से दोनों बाहर आ गए थे, इसका ये हमने प्रश्न बना लिया था। इस प्रकार हम चारों के प्रश्न बना लेंगे। अब है प्रश्न संख्या 11, समय की बचत के लिए हमने इन प्रश्नों के उत्तर पहले ही लिख लिए हैं। नीचे अखबार की कतरन दी गई है, इसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर हमें एक अखबार की कटिंग दे रखी है, उसमें उसको ध्यान से पढ़ना है और फिर दिए गए प्रश्नों को हल करना है। तो बीकानेर 28 मार्च, ये खबर प्रकाशक का स्थान है और ये इसकी दिनांक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर बाल वैज्ञानिकों के लिए 10 अप्रैल तक मॉडल का चयन किया जाएगा। मॉडल की प्रदर्शनी RSCERT उदयपुर द्वारा आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। निर्देशक महोदय ने बताया कि मॉडल का चयन समिति द्वारा किया जाएगा तथा चयनित विद्यार्थियों को ₹10,000 प्रोत्साहन राशि और बाल वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये अखबार की कतरन थी जिससे। तो अब इसके अनुसार हम प्रश्नों को हल करेंगे। कम है, यह समाचार कहाँ से प्रकाशित हुआ है, तो यह समाचार बीकानेर से प्रकाशित हो रहा था, यहाँ हमने लिख दिया यह समाचार बीकानेर से प्रकाशित हुआ था। खम है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर बाल वैज्ञानिक पुरस्कार, ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर बाल वैज्ञानिक पुरस्कार दिया जाएगा। ग में है, इस समाचार को अच्छी तरह पढ़कर अपने विद्यालय का कोई समाचार बनाकर लिखिए। तो इसके ये जो समाचार की कटिंग दे रही है इसके अनुसार ही हमें विद्यालय के कोई आयोजन का समाचार बनाना है। तो यहाँ हमने एक समाचार बनाने का प्रयास किया है, नागौर बीकानेर का पड़ोसी जिला और तारीख 29 फरवरी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नागौर में वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन हुआ जिसमें छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। मुख्य अतिथि ने छात्रों की प्रतिभा
सेवा की सराहना की और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। संस्था प्रधान ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की और सभी को धन्यवाद दिया। इस प्रकार हम ये छोटा सा समाचार बना लेंगे। अब अगला प्रश्न है, पुरस्कार में क्या दिया जाएगा? तो पुरस्कार में 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और बाल वैज्ञानिक का पुरस्कार भी दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित चित्र को देखकर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर एक में चित्र दे रखा है, इसको देखकर कुछ पंक्तियां यहाँ पर हमें लिखनी है। इस चित्र में एक मेले का दृश्य दिया है। तो यह चित्र एक मेले का है जिसमें विभिन्न प्रकार की दुकानें व झूले दिखाई दे रहे हैं। एक बच्चा गुब्बारे खरीद रहा है, दूसरी तरफ एक बच्चा आइसक्रीम खरीद रहा है। इस प्रकार आप अपने हिसाब से भी कुछ लाइनें यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर हमें एक पद्यांश दे रखा है, उसको पढ़कर दिए गए प्रश्नों को हल करना है। तो पद्यांश इस प्रकार है, बहुत निराला भारत अपना है, हिमगिरी मुकुट मनोहर है, जंगल पर्वत नदियां मिट्टी खाने पुण्य धरोहर है, कण कण में सूरज की किरणें नित उग ऊर्जा भरती है, अनुपम आब हवा के कारण 6 ऋतुओं की धरती है। इस प्रकार इस पद्यांश में भारत भूमि का बखान किया है। तो अब हम प्रश्नों को हल करेंगे। इसके अनुसार क में उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उचित शीर्षक लिखा है हमने निराला भारत, क्योंकि इस पद्यांश में भारत के बारे में बताया गया, भारत का गुणगान किया है। ख है पुण्य धरोहर किसे कहा गया? तो यहाँ पर दूसरी लाइन में जंगल पर्वत नदियां मिट्टी खाने पुण्य धरोहर है, तो इनको पुण्य धरोहर कहा गया। उत्तर हमने लिखा है जंगल पर्वत नदियां मिट्टी खाने आदि को पुण्य धरोहर कहा गया है। ग में हमारी धरती को 6 ऋतुओं की धरती कहा गया है, 6 ऋतुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमें भारतीय ऋतुओं के बारे में लिखना है। तो 6 ऋतु इस प्रकार है, वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु है, शिशिर ऋतु। अगर इन ऋतुओं के बारे में विस्तार से जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे, ताकि हम इनके बारे में विस्तार से अलग से वीडियो बनाएंगे। हम भारत की धरती को कैसे सजा संवार सकते हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, भारत की धरती को सजा संवारने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे, इसके अलावा इसके प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित करने का प्रयास करेंगे, नियमित सफाई और कचरे का उचित निस्तारण या प्रबंधन करेंगे, ताकि हमारी धरती है वो बढ़िया सजी संवरी रहे। प्रश्न संख्या 14, बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को निमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। तो जब हम ऐसे पत्र लिखते हैं तो सबसे ऊपर यहाँ पर हम अपना पता व दिनांक लिखते हैं जिस तारीख को हमने पत्र लिखा था। तो यहाँ पर हमने पता लिख दिया है नागौर, और ये जो दिनांक है ये पहले से आपके किताब में दी हुई मिलेगी। प्रिय मित्र राकेश नमस्ते। तो यहाँ पर आपको ये नाम लिखना भी जरूरी नहीं होता है, निमंत्रण पत्र वगैरह जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं इनमें, तो हमने यहाँ लिख दिया। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि ये लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा। आशा है कि तुम सकुशल होंगे। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मेरे बड़े भाई राजेश का विवाह आगामी 21/11/2024 को होगा। इस विशेष अवसर पर तुम्हारी उपस्थिति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समारोह के मुख्य विवरण इस प्रकार है, तो जो शादी का आयोजन है समारोह है उसके, इसमें विवाह की तिथि है वो 22/11/2024 है, समय शाम 7 बजे, स्थान है RS वाटिका नागौर, और अंत में लिख देंगे तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा रहेगी। इस प्रकार हम ये निमंत्रण पत्र लिख देंगे। अब यहाँ पर आपको संबोधन शब्द लिखना है, तुम्हारा शुभेच्छु विशाल, ये हमारा सिग्नेचर होता है। अब है प्रश्न संख्या 15, नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उनकी सहायता लेकर एक कहानी लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ बॉक्स में शब्द दे रखे हैं, उनकी सहायता से एक कहानी लिखनी है। तो कहानी इस प्रकार है, एक गांव में एक दर्जी रहता था। गांव में मंदिर के पुजारी हाथी रखते थे। पुजारी हाथी को रोजाना नदी में पानी पिलाने व नहलाने ले जाता था। रास्ते में दर्जी की दुकान पर हाथी रुकता व दर्जी उसको रोटी खिलाता था। एक दिन दर्जी की दुकान पर उसका बेटा गया। जब हाथी ने रोटी के लिए सूंड आगे की तो उसने सुई चुबा दी, यानी उसका जो बेटा था दर्जी का, उसने हाथी की सूंड में सुई चुबा दी। हाथी को दर्द हुआ, वह नदी में पानी पीकर वापस आते समय सूंड में कीचड़ भरकर ले आया और दुकान पर आकर उसने पूरा कीचड़ फैला दिया। कीचड़ से सारे कपड़े खराब हो गए और वह दर्जी का बेटा दुखी हो गया। तो
तो यहाँ पर हम कहानी को पूरा नहीं लिख पाए हैं, लेकिन आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने प्रारंभिक मूल्यांकन को हल किया। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।